morning. How are you? I hope you all are fit and fine. So let's start our English class. So students, today's our topic is alphabet and to J small letters. तो बेटा लास्ट वीडियो में हमने स्मॉल लेटर्स ए टू एम तक लिखे थे. आई होप कि आपको लाइनिंग में लिखना अच्छे से आ गया होगा. आज हम एम से जेड तक कंटिन्यू करेंगे, जेड तक पढ़ेंगे और मैं आपको लाइनिंग में बताऊंगी कौन सा लेटर कौन सी लाइन में आता है. ओके, सो लेट्स सी. देखिए एम तक आपका कंप्लीट हो चुका है. अब हम लिखेंगे एन. एन फॉर नेक्स्ट. अब एन फॉर नेक्स्ट देखिए, जो आपकी फोर लाइन की नोटबुक है उसमें फोर लाइन होती है ना, 1 2 3 4, तो उसकी जो मिड की टू लाइन है, बीच वाली टू लाइन, उसके अंदर आएगा आपका एन. ओके, फिर एन फॉर नेक्स्ट ओ. एन के बाद में ओ. ओ फॉर ऑरेंज, तो ओ भी मिड की टू लाइन को ही कवर करेगा. ओके, ओ. देन पी. पी देखिए बेटा, पी 1 2 3 4 लाइन है आपकी, तो ये नीचे की जो थ्री लाइन है, ऊपर वाली लाइन छोड़ देंगे, नीचे की जो थ्री लाइन है वहां से वहां बनेगा और ये ऐसे बनेगा. सेम कैपिटल लेटर की तरह ही है, बट कैपिटल ऊपर वाली थ्री लाइन में आता है और स्मॉल लेटर नीचे वाली में आएगा. ठीक है, स्मॉल पी. फिर क्यू. अब क्यू और पी में देखिए, मतलब ये भी सेम थ्री नीचे वाली थ्री लाइन में आएगा और ये इस साइड रहेगा. अब इसमें बेटा आप कंफ्यूज होते हो P और Q में, क्योंकि P और Q देखने में सेम दिख रहे हैं ना, बट आपको ध्यान रखना है कि P में इस साइड होता है सर्किल और Q में इस साइड होता है. ओके, फिर नेक्स्ट क्या आएगा Q के बाद में? R. R for rose. तो R क्यों आएगा? आपकी जो फोर लाइन है उसके जो मिड की टू लाइन है उसके बीच में R आपका लिखा जाएगा, ये इस तरह से. R for rose. फिर R के बाद में S. S for sip. तो S भी कहाँ आएगा? Small S mid की two line में आएगा. ठीक है, S. Then T ऊपर वाली की line में आएगा. देखिए T इस तरह से लिखा जाएगा, किस line को cover करेगा T. Then U देखिए, ये mid की two line को cover करेगा, जो बीच वाली two line है आपकी ऐसे. ठीक है, U. फिर वी देखिए, वी भी मिड वाली टू लाइन में ही आएगा. डब्ल्यू भी मिड वाली टू लाइन में ही आएगा. डब्ल्यू. एक्स भी जो आपकी फोर लाइन है और उसमें जो बीच वाली टू लाइन है, मिड की टू लाइन, उसमें आएगा एक्स. देन वाई, उसको ध्यान से देखिए बेटा, वाई क्यों आएगा? जो आपकी फोर लाइन की नोटबुक है उसमें नीचे की थ्री लाइन को कवर करेगा वाई. Y and last क्या है? Z. Z for zebra. तो Z जो मिड की टू लाइन है उनके अंदर लिखा जाएगा इस तरह से. ओके, एक बार फिर से दोबारा पढ़ देती हूँ. देखिए N मिड की टू लाइन में आएगा, फिर O ये भी मिड की टू लाइन ही कवर करेगा, P नीचे वाली थ्री लाइन में आएगा, Q ये भी नीचे वाली थ्री लाइन में आएगा, R मिड की टू लाइन में, S सेम आर दिख रही मिड वाली टू लाइन में आएगा, टी ऊपर वाली थ्री लाइन को कवर करेगा, यू मिड वाली टू लाइन में, वी ये भी मिड वाली टू लाइन में आएगा, डब्ल्यू बीच वाली टू लाइन में, ठीक है, एक्स ये भी बीच वाली टू लाइन में, वाई नीचे की थ्री लाइन को कवर करेगा, लिखिए, एंड देन जेड ये मिड वाली टू लाइन में ही आएगा. तो बेटा इसको आपको लाइनिंग में अच्छे से लिखना है. ए टू जेड आपके स्मॉल लेटर्स कंप्लीट हो गए हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम स्पेलिंग सीखेंगे. ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ये मैं आपको 2 2 3 3 स्पेलिंग सिखाऊंगी. ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आपको कंप्लीट करना है अपनी नोटबुक में, गुड हैंडराइटिंग में, और लाइनिंग का ध्यान रखना बेटा, लाइनिंग अच्छे से लिखना है. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.